हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज ये दिन मंगलवार, सभी का दिन मंगलमय हो। और आज है अनंत चतुर्दशी, हैप्पी अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा। और गाइस, हम 5:30 बजे चले गए थे घर पर, और जाने के बाद जल्दी जल्दी हम पूजा रूम में झाड़ू पोछा किए और फटाफट अपने बच्चे के लिए दलिया चढ़ाए, नहाए, पूजा पाठ करके फिर से वापस आ गए हॉस्पिटल। और पूरे टाइम रहेंगे अपने बच्चे के पास। और बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा जल्दी से चंगा हो जाए और अपने घर चला जाए गाइस, क्योंकि हॉस्पिटल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आपको हॉस्पिटल कोई अच्छा चीज़ तो होता नहीं है, मंदी तो है नहीं, और कई तरह के मरीज आते हैं, और भी देख देख के मन में गंदा बात ही आता है। हॉस्पिटल में कुछ भी अच्छा बात नहीं आता है। चलते हैं गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। खूब जमाना बेटा है ना। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 12 और मेरा ये नाश्ता आ चुका है। अब जा रहे हम नाश्ता कर लें, रोटी और सब्जी है। और अभी अपने बेटा को हम दलिया खिला दिए हैं और उसके बाद हम खा लेते हैं गाइस, क्योंकि खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। और गाइस, मेरा नाश्ता पानी हो गया, नाश्ता हम कर चुके हैं। और बताया गाइस, यहाँ एक कंटिन्यू बारिश हो रही है कल रात से, कंटिन्यू मतलब कि आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है, बस किसी भी तरह काम हो जा रहा है। मतलब मौसम तो बहुत अच्छा किया है, और फिर भी मतलब कि ये क्या कहते हैं, मेरा बेटा को एसी देखिए, एसी चलाने की, इसको एसी के बिना सब रहते ही नहीं। देखिए अभी भी एसी चल रहा है आपका, लेकिन एसी भी हम 29 पे किए हैं गाइस, और अभी जब भी फैन ऑफ करके तब एसी ऑन किए हैं। और नाश्ता बन गया गाइस, नाश्ता भी था, रोटी और सब्जी बहुत टेस्टी था, खा लिए, और बच्चा भी मेरा खा लिया, अच्छा सा आराम कर लेगा गाइस, क्योंकि रात भर पता है हॉस्पिटल में ना एक मतलब बिना काम का भी नींद नहीं आता, जैसे कि अजीब सा थकान थकान सा लगता है। तो चले इस टाइम थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो सोचे थोड़ा सा सो लें, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी, फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि घर पे भी जाएगा तो सब हमी को देखना करना है, तो हमें तो अंदर से स्ट्रांग बढ़ना पड़ेगा ना। चले गाइस, मिलते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:00 और आज दिन है बुधवार, सभी का दिन मंगल में हो गाइस। और अभी हम जो है घर जा रहे हैं, अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं और जा रहे हैं, किसी को बुलाए हैं उनके साथ जा रहे हैं, और अपने बाबू के लिए कुछ फटाफट बना के लेके आएँ, और जितना जल्दी हो सके। क्या टीवी चालू कर रहे हैं क्या? वैसा नहीं होगा, उसका रिमोट जो है ना वो सेटअप बॉक्स के पास लेके जाएंगे ना, तब होगा, तब काम करेगा। काम तो करेगा कैसे, लेकिन उस दिन तो आ रहा था पूरा कार्टून चैनल आ रहा था। क्या किया करा था। हॉस्पिटल में किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत बेकार होता है हॉस्पिटल का चक्कर। चलिए यहाँ मेरा बेटा देखिए बैठा हुआ, करो वो फटाफट आके कर दिया था, रुकी होते जाके भी बोल देगा काउंटर पे ना, तो आके वो चेक कर लेगा। चले गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।